नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ऑपोजिट साइन से इसलिए माइनस का साइन है माइनस क्यू क्यू प्लस पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर यानी साइन इसके सामने प्लस का साइन है माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए माइनस पी स्क्वायर क्यू होगा माइनस प्लस होने से मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन रहता है तो माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर तो ये माइनस क्यू क्यू हो जाएगा तो ये हो गया पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू क्यू प्लस पी क्यू तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जो जो लिखा है आप सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लाइक टर्म्स को इकट्ठे करेंगे पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर है तो कहाँ पे है प्लस पी क्यू स्क्वायर है तो माइनस पी क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर दोनों के ऑपोजिट साइंस है और सेम टर्म है विथ ऑपोजिट साइंस तो इसे कैंसिल कर देंगे तो प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू टू पी क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस टू क्यू क्यू तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से ही दोनों को कैंसिल कर सकते हैं इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस पी स्क्वायर क्यू और ये माइनस पी स्क्वायर क्यू तो इसे अरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी क्यू देन प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू तो यहाँ तो सेम टर्म्स देखने से ही पता चले इसलिए यहाँ पर कैंसिलेशन कर देंगे। अगर आपको डाउट होता है तो आप अरेंज करके लिखिए अदरवाइज यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो पी क्यू प्लस पी क्यू टू पी क्यू और माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस टू क्यू क्यू ऐसे तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टू पी क्यू माइनस टू क्यू क्यूब इसका आंसर है फाइनल आंसर। तो आप चाहें तो डायरेक्टली अगर आपको समझ आता है यहाँ पर ही स्ट्राइकआउट कर दीजिए अदरवाइज अगर क्यू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू में आपको कन्फ्यूज़न होता है आप अरेंज कर लीजिए ऐसे फिर उसके बाद इसको स्ट्राइकआउट कर दीजिए तो ये इसका फाइनल आंसर है।